धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 6 मई की शाम को रमजान के महीने का चांद दिखने के साथ ही रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया और ज्यादातर सभी मुसलमान रोजेदार इस चिलचिलाती धूप और गर्मी में रोजे रख रहे हैं, जिसमें सुबह के वक्त सहरी की जाती है और शाम को अफ्तार के साथ रोजा खोला जाता है। पूरे दिन भर 5 टाइम की नमाज अदा की जाती है और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। यह महीना बड़ा ही बाबरकत वाला होता है। इस महीने को तमाम महीनों का सरदार कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि रमजान का महीना हर मुसलमान के लिए बहुत खास होता है, जिसमें 30 दिन तक रोजे रखकर अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। इस्लाम के मुताबिक पूरे रमजान को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 10-10 दिन के 3 अशरे होते हैं, जो पहला, दूसरा और तीसरा असरा कहलाते हैं। पहला असरा रहमत का होता है, जिसमें रमजान के शुरुआती 10 दिनों में रोजा नमाज करने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। दूसरे असरे में मुसलमान अपने गुनाहों से नमाज रोजे के जरिए से पाक हो सकता है। रमजान के तीसरे आखिरी असरे में जहन्नम की आग से खुद को बचा सकते हैं। इसमें आग से पनाह मांगनी चाहिए और जन्नतुल फिरदौस में जाने की दुआ करनी चाहिए। आपको बता दें कि अब रमजान का तीसरा असरा भी शुरू हो चुका है। बाड़ी में रहने वाले अध्यापक अयूब खान की 13 साल की बेटी सानिया खान और 15 साल के बेटे ने अपने जन्म के बाद पहली बार रमजान के महीने में रोजे रखे हैं, जिसमें सुबह कुरान खानी की गई और शाम को रोजा खुशिया की दावत कराई गई, जिसमें बाड़ी के तमाम मुस्लिम भाई शामिल हुए। रमजान के बारे में गुम्मट बाड़ी स्थित मदरसा अरबिया दारुल कुरान के मौलाना अजमल कासमी, इस्लामिक स्टूडेंट शेख जियाउल हक सहित किसने क्या कहा, सुने उनकी जुबानी। दीपा खान, आई एम द डॉटर ऑफ आसिफ खान, आई एम 9 इयर्स ओल्ड। मेरी बड़ी बहन ने आज रोजा रखा है तो अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं भी रोजा रखूंगी। और हर मुसलमान को रोजा रखना चाहिए। आई एम सानिया खान, आई एम डॉटर ऑफ अयूब खान, बारी धौलपुर। आई एम 13 इयर्स ओल्ड। मैंने आज पहला रोजा रखा और अल्लाह ने मुझे ताकत दी कि मेरा रोजा आज अच्छी तरीके से गुजरा और मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी और 2 पारी कुरान के पढ़े और अल्लाह आगे और हिम्मत दे तो मैं सारे रोजे रखूंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई, माहे रमजान की मुबारकबाद। इस माहे रमजान मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने फरिश्तों को अपने खुद शैतान को बंद करवा दिया है, जिससे कि जितने भी इस महीने में मुसलमान भाई इबादत करेंगे, रोजा रखेंगे, खैरात ज़कात करेंगे, उतना ही उनको सवाब मिलेगा। एक नेकी का सवाब 90 नेकी बराबर मिलेगा। इस पाक मुबारक महीने में मुसलमान भाइयों के लिए खैरात ज़कात के लिए इतना अच्छा मौका है, जितना खैरात ज़कात करेंगे अल्लाह उतना ही उनके माल और दौलत में उनके सवाब अता फरमाएगा। और मुसलमान भाइयों के लिए ये महीना गुनाहों को माफ करवाने के लिए पाक और साफ महीना है। इस महीने में जितने हो सके उतना इबादत करें और अपने गुनाहों को माफी मांगे, अल्लाह से रो रो कर दुआ करें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए। इस पाक महीने में अल्लाह पाक हर मुसलमान भाइयों के गुनाहों को माफ करे और हमारे देश में अमन चैन और शांति कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमजान का महीना एक मुबारक महीना है। ये मुसलमान भाइयों के लिए 30 दिन के रोजे रखना हर मुसलमान भाई का फर्ज है। ये अल्लाह ताला सारे जितने भी नेक अमल हैं उनका अजर तो फरिश्तों से लाएगा, लेकिन रमजान का महीना और रमजान के रोजे का सवाब अल्लाह ताला खुद अपने हाथों से अता फरमाएंगे। और जो इंसान रोजे रखता है और पूरे महीने की तरावी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको इस तरह माफ़ फरमा देते हैं जैसे एक माँ के पेट से बच्चा भी पैदा हुआ हो। और ये रमजान का महीना सब्र का महीना है और अल्लाह ताला के यहाँ इस रोजे की बहुत बड़ी फजीलत है और अल्लाह ताला ये रोजे रखने वालों को तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और अच्छी से अच्छी उसको एक जन्नत की फिरदौस में अता फरमाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी। नबी
पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है, मैं रोज़े का बदला हूँ। उलमा किराम ने इस हदीस के दो मतलब तहरीर फरमाए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े का बदला कैसे है, तो वो ऐसे, एक मतलब तो ये कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का मुतनाही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की कोई हद और कोई मकदार मुतय्यन नहीं है, ना महदूद है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत रोज़े का जो अजर सवाब अता फरमाएगी उसकी भी कोई हद और कोई मकदार मुतय्यन नहीं है। दूसरा मतलब ये तहरीर फरमाया उलमा किराम ने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर नेकी का सवाब फरिश्तों के ज़रिए अता फरमाएगी, लेकिन रोज़े का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने दस्त मुबारक से बंदों को। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला का आदेश है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े अनिवार्य किए गए हैं जैसे कि तुमसे पिछले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी अर्थात ईश्वर ने जिन कामों से रुकने का आदेश दिया है उन कामों से रुकने वाले बन जाओ। रोज़ा इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है। रोज़ा हर बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज है, सिवाय लंबे सफ़र या बीमारी के। अगर कोई शख्स बीमारी या लंबे सफ़र की वजह से रोज़ा तर्क करता है अर्थात छोड़ता है, तो उनकी तादाद को बाद में पूरा किया जा सकता है। रोज़े से हमें कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं, जिनमें हम बात करें शारीरिक फ़ायदों की। शारीरिक फ़ायदों में हमें रोज़े से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जो बढ़ जाते हैं वो रोज़ा रखने की वजह से कम हो जाते हैं और कैंसर होने की संभावनाएँ घट जाती हैं, और हमारा ब्लड शुगर भी घट जाता है जिस वजह से हम स्वस्थ रह पाते हैं। और यदि हम बात करें मनोवैज्ञानिक लाभों की, तो इससे कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न महसूस करता है, आत्मिक शांति महसूस करता है। और यदि हम बात करें सामाजिक लाभों की, तो इसमें बहुत सारे सामाजिक लाभ भी होते हैं, क्योंकि रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, इसमें हाथ का भी रोज़ा होता है, आँखों का भी रोज़ा होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयाँ होती हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। इस प्रकार रोज़ा कई प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है और ये से सभी को रखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके दरमियान एक ऐसा मुबारक महीना लाया है जो तमाम महीनों का सरदार है, तमाम महीनों से अफजल है। यह अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को नवाजा है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को खसूसियत जो कुरान करीम के साथ रखा है कि तमाम नुज़ूल कुरान जो हुआ वो इसी महीने में हुआ, और हजरत अलैहिस्सलाम पर कुरान का जो नुज़ूल हुआ जो ग़ारे हिरा के अंदर इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक, सबसे पहली आयत, सबसे पहली सूरत और सबसे पहली ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरकर इस दुनिया में आया, और ये कुरान करीम 23 साल के अरसे में पूरा हुआ। इस कुरान को पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला रमजान मुबारक में बहुत ज्यादा सवाब अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये महीना जो है बहुत बाबरकत महीना है, बहुत अजमत वाला महीना है। इस महीने के अंदर एक रात आती है जो शब कदर कहलाती है, बहुत ही मुबारक, बहुत ही अहम रातें हैं। जो एक महीना एक रात की इबादत कर लेगा वो आके 83 वर्ष 1000 महीने की इबादत कर लेगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसको उसमें कामयाबी अता करेगा और उसकी रहमत और बख्शिश का दरवाजा खोल देगा, बरकत का दरवाजा खोल देगा। लेकिन अल्लाह के हुक्मों पर और नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलकर जिंदगी गुजार लेगा तो इस दुनिया में भी उसकी कामयाबी होगी और आखिरत में भी उसकी कामयाबी होगी। मेरे मोहतरम, आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने का बदला जो अता फरमाता है वो खुद अपने हाथों से अता फरमाता है जी। और तमाम फराइज का जो बदला देते हैं वो फरिश्तों के जरिए से बदला अता फरमाता है। ये अल्लाह की शान है जो हम सबको रोजा, जो जान का सदका है, रोजा अता फरमाया है। ऐसा मुबारक रोजा हम सब के मुसलमानों के लिए फर्ज किया गया है, जो जिस महीने के अंदर आदमी चाहे अपने गुनाह कबीरा हो सगीरा हो, अपने तौबा से
अपने तौबा करके, अल्लाह से मांग करके, अल्लाह से सवाल करके, अल्लाह से अड़ करके, अल्लाह से जिद करके अपने तौबा को बख्शवा लिए, अपने तौबा को माफ करा लें तो कामयाबी होगी। इसमें सबसे पहले जो होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाता है। जो रिश्ता नाता तोड़ने वाला है, वालदैन की नाफरमानी करने वाला है, और शराब पीने वाला है, और कीना और बुग्ज हसद रखने वाला है, ऐसे लोगों की दुआ, इसकी बख्शिश नहीं होती है, इसकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं फरमाते हैं। इसलिए इस महीने की खसूसियत सदकात, खैरात, ज़कात निकाल कर अपने माल को, अपने जान को, अपने तमाम चीजों को साफ सुथरा बनाने का महीना है। अगर इस महीने में आप रोजा रखेंगे, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे राजी होगा, दुनिया तुम्हारे लिए कामयाबी होगी और आखिरत में मरने के बाद भी कामयाबी होगी। ये अल्लाह ही का फजल, अल्लाह ही के कर्म से होता है, और अल्लाह ही से तौफीक मांगनी चाहिए। अगर उससे हम मांगेंगे तो इंशाअल्लाह वो देने वाला है, वो अता करने वाला है, उसके खजाने में कोई चीज की कमी नहीं है। मेरे मोहतरम, आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले उम्मतों पर रोजा फरमाया था, इसी तरह हम पर फर्ज फरमाया है, और ये महीना जो है कुरान के साथ खुसूसियत रखता है, इस वजह से इसकी आजमत बहुत ज्यादा रखा गया है। इसलिए हमें और आपको सोचना चाहिए कि इस महीने में हमें हर घंटा, हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड हमको इसमें इबादत में लगना चाहिए, तमाम बुराइयों से बचना चाहिए। तमाम जिस्मों के हर एक एक उज्व का रोजा है, हत्ता के आंख का रोजा है, कान का रोजा है, जबान का रोजा है, हाथ का रोजा है, पैर का रोजा है, तमाम हराम चीजों से बचने का रोजा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए इन तमाम खुराफात चीज से बचें और अल्लाह के चौखट पर अड़ जाएं और अल्लाह से मांगें। अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाला है, वो देने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। धौलपुर शहर के डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय के बाहर आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब पति पत्नी और वो को लेकर दो महिलाओं में बीच सड़क पर चोटी पकड़कर मारपीट होने लगी। कहा सुनी से शुरू हुई बात मारपीट तक पहुंच गई और मामला बाल खींचकर हाथापाई तक पहुंच गया। चोटी पकड़कर धुनाई देखकर मौके पर भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन लोग जब तक समझ पाते तब तक दोनों महिलाएं एक दूसरे को चोटी पकड़कर बीच सड़क पर खींचने लगी। कुछ देर बाद यहां मौजूद लोगों ने समझाइश कराकर मामला शांत कराया। जानकारी के अनुसार मदीना कॉलोनी धौलपुर रहने वाले अच्छन पर उसकी पत्नी का आरोप है कि बीते 5 साल से उसके पति का किसी अन्य महिला से नाजायज संबंध चल रहा है, जिसको लेकर वह ना तो अपने परिवारजनों को खर्चा देता है और ना ही उनका ख्याल रखता है। यहाँ तक कि घर में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। चाय की थड़ी लगाने वाला अच्छन जो भी पैसे कमाता है वह सारा पैसा दूसरी औरत को देता है। इसी को लेकर आज दोनों का सामना हो गया और आमने सामने हो गई तो दोनों में पहले कहा सुनी हुई, बाद में बात मारपीट तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बाद में दोनों को अलग कराया और कोतवाली जाने की सलाह दी, लेकिन घटना को लेकर शाम तक एक भी पक्ष की ओर से पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो द्वारा SBI बैंक तसीमो शाखा का ATM बैंक के बाहर लगाने के लिए शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि SBI बैंक तसीमो का ATM बैंक के अंदर लगा हुआ है, जिसके कारण बैंक में अधिक भीड़ होती है। बैंक बंद होने या अवकाश होने पर लोग रुपए नहीं निकाल पाते हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर दूर दराज तक किसी भी बैंक का कोई भी ATM नहीं है, जिससे क्षेत्र के दर्जनों गांव के व नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों को रुपए निकालने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमो के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलकर बैंक प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द ATM को बाहर लगवाएं, जिससे कि लोगों को रुपए निकालने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द ATM को बाहर नहीं लगवाया गया तो मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। वहीं ज्ञापन की प्रति AGM भरतपुर को भेजी गई है। इस मौके पर रामोतार फौजी, विवेक मित्तल, शेखर परमार, अनिल परमार, बॉबी मित्तल, सूरज राजपूत, अंकुर सविता, अनिल गौड़, सुग्री परमार, राजू मित्तल सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। उपभोक्ता द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए दिया गया 100% फीडबैक भी रैंकिंग का आधार बनेगा। उद्योगों में प्रशासन एवं
प्रक्रियागत सरलता के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टाइमलाइन व मापदंडों की पालना एवं यूजर फीडबैक के लिए जिला कलेक्टर नेहा गिरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार औद्योगिक नीति एवं संवर्धन रैंकिंग के नए दिशा निर्देश के अनुसार अब 80 पॉइंट्स में कारोबार को आसान बनाने के लिए सुधारों से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं को समाहित किया गया है। संबंधित विभाग बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लिए सुधार कार्यान्वयन और साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं जिला स्तर पर किसी सेवा के लिए आवेदनकर्ता को किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़े, सारा काम ऑनलाइन पोर्टल पर ही होना चाहिए। सभी गाइडलाइन आवेदन करने से लेकर निस्तारण तक पोर्टल इंटरलिंक रहेगा, तय समय सीमा में ही निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। पोर्टल पर की गई कार्रवाई से 12 जून तक अवगत कराना आवश्यक है। नोडल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शिवचरण मीणा ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी अपने स्तर पर फीडबैक की समीक्षा करते हुए यह देखना सुनिश्चित करें कि कोई भी उपभोक्ता असंतुष्ट पाया जाता है तो अधिकारी उससे बात करके सुधार कर सकते हैं। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। 29 व 30 मई को रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित। 33 केवी मनिया लाइन पर मरम्मत का कार्य होने के कारण 29 व 30 मई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता एसटीएम जयपुर डिस्कॉम धौलपुर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि 33-11 केवी सब स्टेशन मनिया व बिपरपुर से निकलने वाले 11 केवी फीडर मनिया प्रथम, मनिया द्वितीय, टाड़ा हिनौता, दोहाटी हॉस्पिटल, बिपरपुर, बिलपुर व दूबरा फीडरों की 29 व 30 मई को गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़े का हुआ शुभारंभ। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले भर के नौनिहालों को डायरिया से मुक्त करने के लिए 28 मई से 9 जून तक गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। विभाग की ओर से आज इस पखवाड़े का जिला स्तरीय शुभारंभ ओडिया रोड स्थित शहरी पीएससी से हुआ। इस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवा, विशिष्ट अतिथि देवेंद्र प्रताप सिंह प्रधान पंचायत समिति धौलपुर रहे। वहीं समारोह की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान गहन दस्ता नियंत्रण पखवाड़े से संबंधित पोस्टर्स का भी विमोचन किया, साथ ही आमजन के लिए लगाए गए ORS जिंक कॉर्नर का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने आमजन से जागरूक रहने तथा अपने आसपास स्वच्छता रखने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान CMHO ने कहा कि 5 वर्ष तक के बच्चों को डायरिया दस्त से होने वाली मौतों से बचने के लिए आमजन में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है, इसलिए चिकित्सा विभाग द्वारा इस पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। पखवाड़े को सफल बनाने के लिए माइक्रो प्लान बनाया गया है। वहीं सभी संस्थानों पर जिंक की गोली और ORS के पैकेट पूर्व में ही उपलब्ध करवाई जा चुके हैं। समारोह के दौरान RCHO डॉक्टर शिव शर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शशांक वशिष्ठ, शहरी DPM प्रियंका त्रिपाठी, जिला PCPNDT समन्वयक पंकज शुक्ला, जिला IEC समन्वयक प्रवीण अवस्थी, UPHC प्रभारी डॉक्टर ललित मंगल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय धौलपुर के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन कौशल विकास एवं अभिरुचि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 11 मई से 22 जून तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर पर किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राएं तल्लीनता से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं। CEO स्काउट चंद्र शंकर श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य मुख्यालय जयपुर के निर्देशानुसार ग्रीष्म अवकाश में छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारने, उनमें श्रम के प्रति निष्ठा एवं स्वावलंबन, आत्मविश्वास, सुनागरिकता एवं उनके कला कौशल जैसे गुणों के विकास के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, अभिरुचि एवं लघु उद्योग शिविर का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर पर किया जा रहा है। शिविर में सिलाई, शकुंतला गौड़, मेहंदी रेशु कश्यप, पेंटिंग पिंकी मथुरिया, डांस शिल्पा गढ़वाल, क्लासिकल डांस पूजा कश्यप, वंशिका शर्मा, संगीत मनोज कुमार गुप्ता, कंप्यूटर हेमलता शर्मा, ब्यूटी पार्लर रोहिणी शर्मा, साय सज्जा नीलम मथुरिया, आत्मरक्षा राशिद खान, आपदा प्रबंधन सुरेश चंद, स्काउट गाइड आंदोलन की जानकारी, डैश डेमोना, मोबाइल रिपेयरिंग, शुभम कौशिक आदि विषयों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। हरिओम कटारा ने बताया कि शिविर प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किया जा रहा है। शिविर में संभागी 31 मई तक अपना पंजीकरण कराकर किसी भी दो विषय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में रेंजर किरण भारती नरवारे, कुमकुम कश्यप उमा,
रोवर आयु शर्मा, आलोक दुबे, गोपाल, शुभम शर्मा आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके अपने इलाके के गांव ध्वजपुरा के सबसे बेहतर परीक्षा परिणाम और सुविधाओं से युक्त स्कूल नितिन शिक्षा समिति में प्रवेश प्रारंभ। शीघ्र प्रवेश लें। विद्यालय में नर्सरी से कक्षाएं प्रारंभ। अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य। विद्यालय में सभी भौतिक सुख सुविधाएं और बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध। बच्चों के लिए खेल मैदान और कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की सुविधा। संपर्क करें 99 41 59 87 97 85 34 63 93 87 40 85 00 95। आगरा ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर बनिया के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला है जिसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मनिया कस्बे के समीप आगरा ग्वालियर रेलवे ट्रैक पर सोमवार देर रात्रि एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया तथा आसपास के लोगों से पहचान कराई गई, लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक युवक की लंबाई करीब 5 फीट एवं उम्र लगभग 25 वर्ष है। पुलिस ने पहचान के लिए सबको मोर्चरी में रखवा दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर द्वारा मानस मंदिर पर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक मयंक गुर्जर ने बताया कि विद्यार्थी परिषद इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर देश के स्वतंत्रता सेनानियों व महापुरुषों की जयंती मनाती है, उनके पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र को नई दिशा देने का कार्य करती है। इस मौके पर पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिनव सिंह ने बताया कि विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी, महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक, चिंतक व प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। नगर सह मंत्री ललित बंसल ने कहा कि देश की आजादी में सावरकर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इस मौके पर जिला कार्यालय मंत्री प्रशांत श्रीवास्तव, जिला सह संयोजक राजू गुर्जर, सुमित पाल, ललित बंसल, पुष्पेंद्र राजावत, आदेश भटनागर, रवि तोमर, कुलदीप तिवारी, आर्यन शर्मा, प्रिंस पाल, अंकित बघेल, मंथन बघेला आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्षेत्र भर में भीषण गर्मी का प्रकोप गहरा रहा है, ऐसे में युवा नेता ब्रजेश बघेल के नेतृत्व में युवाओं ने बेजुबान पक्षियों के संरक्षण के लिए परिंडे लगाए, जिससे कि भीषण गर्मी की मार झेल रहे पक्षी पानी के अभाव में प्यासे न मरे। भूपेंद्र तोमर ने कहा कि पक्षी पर्यावरण का मुख्य हिस्सा है, इनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। ब्रजेश बघेला व पूर्व सरपंच लाल सिंह परमार ने कहा कि वर्तमान समय में पक्षियों की कई प्रजातियां संरक्षण के अभाव में विलुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में इनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है, क्योंकि पक्षियों के बिना प्रकृति का सौंदर्य अधूरा है। सभी युवाओं ने संकल्प लिया कि सभी अपने आवासों पर परिंडे लगाएंगे और उनमें नियमित दाना पानी डालेंगे, जिससे कि पक्षियों की भूख प्यास के कारण मौत न हो। इस मौके पर ऋषभ परमार, जीतू परमार, योगेश शर्मा, रिंकू कुशवा, दीपेश कुशवा, निजाम खां, अनार सिंह आदि युवा मौजूद रहे। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर, फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं शार शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को रतन शांति गेट हाउस, स्टेशन रोड, धौलपुर, डॉक्टर AKS राठौड़, मुंबई, MD शल्य तंत्र। मोबाइल नंबर 7000025053, 9165741677। वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही की BLBC बैठक का आयोजन पंचायत समिति रायखेड़ा में मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक किशोर चलाना की अध्यक्षता में किया गया। बैठक का संचालन अश्विनी श्रीवास्तव ने किया। बैठक में मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक ने सरकारी योजनाओं में प्रगति की समीक्षा बैंक शाखावार की तथा लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए व बैंक BC की आने वाली शिकायतों पर ध्यान देने और सेवा क्षेत्र की समीक्षा के लिए कहा गया। साथ ही राखों में दर्ज फाइलों पर जिला प्रशासन में समन्वय स्थापित कर तीव्रता से वसूली के लिए कहा गया। बैठक में SBI रायखेड़ा, BRKGB रायखेड़ा, PNB रायखेड़ा, PNB गनहेदी,
पीएनबी गुनपुर आदि के प्रबंधकों ने भाग लिया। डीआईसी से राधेश्याम गर्ग, एनयूएलएम से प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में पीएनबी आरसीटी निदेशक नाहर सिंह ने महिलाओं के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। बसैनवा क्षेत्र में बाइक पर सवार होकर ससुराल जा रहा एक युवक सड़क हादसे का शिकार हुआ है, जिसे गंभीर हालत में सीएससी से जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक खुशियापुर गांव निवासी देवकी नंदन पुत्र मोहन सिंह लोधा बीती देर शाम के समय बाइक पर सवार होकर बसैनवा होते हुए अपनी ससुराल भूरापुरा कोलारी जा रहा था। रास्ते में मनिया बसैनवा सड़क मार्ग पर कोल्ड स्टोरेज के पास बाइक का अचानक संतुलन बिगड़ गया और बाइक सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिससे वह घायल हो गया। इस दौरान सड़क पर गुजर रहे रागीरों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के चालक सतीश की मदद से इलाज के लिए सीएससी बसैनवा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सा कर्मी रीना ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर धौलपुर रेफर कर दिया। चिकित्सा कर्मी के अनुसार घायल हुए बाइक चालक के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। बसेड़ी क्षेत्र के गांव कुनकुटा में भागवत कथा का आयोजन 26 मई से किया जा रहा है, जिसका आयोजन 1 जून तक किया जाएगा। कथा का समापन 2 जून को पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ किया जाएगा। मंगलवार को कथावाचक आचार्य कुलदीप कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए, उसके साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए। इंसान दुख आने पर प्रभु का स्मरण करता है, लेकिन सुख आने पर नहीं करता, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आत्मा न मरती है और न ही जीवित होती है, यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस दौरान कार्यक्रम में परिषद अन्नपूर्णा देवी व चंद्रशेखर परमार सहित अन्य श्रोतागण मौजूद रहे। सेमरा गांव में चल रही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आज 5वें दिन भागवत प्रेमी श्रोताओं की खासी भीड़ रही। आचार्य प्रहलाद जी महाराज की मधुर वाणी के द्वारा सभी श्रोताओं को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, जहां आचार्य ने कहा कि कलयुग में ईश्वर का सुमिरन करने से उनका नाम मात्र जपने से ही इंसान का उद्धार हो जाता है, वह इस भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए इस मोहमाया रूपी संसार में हर व्यक्ति को ईश्वर में आस्था रखते हुए उनके नाम का सुमिरन करना चाहिए। आचार्य ने कहा कि ईश्वर की भक्ति करने वाले लोगों के साथ विषम परिस्थितियों में उनके दुख की घड़ी में भगवान सदैव आगे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर यही संदेश दिया कि जो लोग ईश्वर की शरण में हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो भगवान स्वयं आकर उनकी शरण में आए हुए लोगों के दुखों को हर लेते हैं। इस दौरान कथा के आयोजनकर्ता राम बहोरी लाल शर्मा, परीक्षित पूरनमल शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, हरदेव मुदगल, सुरेश कैप्टन, मदन मोहन शर्मा, रूप सिंह, हनी गुदेनिया, गंगू शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। एवियन कॉन्वेंट स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2002, विच इज अ लीडिंग ब्रांड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड स्प्रेड ओवर 2 acres ऑफ लैंड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, विच नॉट प्रोवाइड्स एजुकेशन बट ऑल्सो एक्ट एज अ मोल्ड टू शेप द ब्रिलियंट फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन। AVM Convent School affiliated to CBSE Delhi. Admission open for classes playgroup to class 12th. Affordable fee structure. Teaching by qualified and experienced faculty. Limited students per class. Well equipped computer lab, physics lab, chemistry lab, biology lab, maths lab, social science lab and audiovisual room, including activity room and big playground and big auditorium. Arts, music, dance, yoga and karate activities to enhance the creativity of child. Fully CCTV equipped classrooms and campus air conditioner building. Special attention to average and weak students. Transport facilities available from all nearby area of Dhaulpur district. So hurry up, admission open, grab the opportunity. Limited seats are left. Make your child special. Address: AVM Convent School, Ghantaghar Road, Dhaulpur. फर्स्ट ट्रैक धौलपुर में खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें धौलपुर संदीप शर्मा, राहुल शर्मा, सेपहू प्रदीप शर्मा, रजनीकांत शर्मा, बसेड़ी अंकित गर्ग,
राजा खेड़ा, मोहित शुक्ला उर्फ मल्टी भैया बाड़ी, मलिक इमरान खान, अनिल वर्मा, बसई नवाज, रिंकू गुधेनिया, तसीमो, विवेक मित्तल, मरेना, अनिल सक्सेना। चैनल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दें एवं शिकायत करें। राधा बल्लभ शर्मा, धीरेंद्र धाकरे। धन्यवाद।